ऑफिशियली इट वुड बी माई फर्स्ट सोलो राइड, बट अब प्लान में मे भी थोड़ा सा चेंज है, कहाँ जाना है देखते हैं। अकेले और सब अकेले अकेले आया। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और आज है संडे एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। मैं प्लान कर रहा था कि आज मैं कहीं राइड पे चलूँगा, पर इट इज़ ऑलरेडी 11, सो देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। इनिशियली प्लान था डैम जाने का, जमशेदपुर झारखंड में देयर आर मोर देन 15 डैम्स, बट अब प्लान में मे भी थोड़ा सा चेंज है, कहाँ जाना है देखते हैं। एंड सो उसके लिए आई हैव टू प्रेप माय हेलमेट, अभी इस पर गोप्रो वगैरह लगाना बाकी है, सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड डू दोज थिंग्स। उप्स, आई विल जस्ट पुट ऑन दी गोप्रो एंड माहौल को देखते हुए मे बी आई विल पुट अ CPL फिल्टर ऑन इट एंड देखते हैं कौन सा माउंट यूज़ करना है आज। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो विद दिस माउंट एंड दिस वुड बी माई फर्स्ट मोटो व्लॉग, सो आई डोंट नो वो कैसा होगा नहीं होगा, सो देखते हैं। एंड ऑल्सो आई रिसीव दिस फ्रॉम अमेजोन, दिस इज़ दी रोड स्मार्ट लेवलियर माइक, ये दिस इज़ अ TRRS माइक जो डायरेक्टली स्मार्टफोन में लगता है। एंड आई ऑल्सो हैव गॉट दी TRS अडेप्टर, सो वॉट दिस विल डू इज कन्वर्ट TRRS टू TRS, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दी मीडिया मोड टू अराइव। सो आई विल जस्ट सेट अप माई GoPro एंड रस्ते में बात करते हैं, जो कि आज मेरे पास ऑडियो के लिए कुछ भी नहीं है GoPro का, तो आई डोंट नो GoPro का ऑडियो कैसा होगा फ्रॉम विद इन दी हेलमेट, सो देखते हैं और रेडी होते हैं फिर आगे की वाक्यात पे कंटिन्यू करते हैं। ओके सो ऑफिशियली इट वुड बी माई फर्स्ट सोलो राइड, तो मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस गोइंग सोलो एनीवेयर, सो मैं कोशिश करूँगा कि आई विल स्टिक बिटवीन 20-30 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस विद इन माई सिटी, आई मीन विद इन माई स्टेट, लाइक वाइज द आउटस्कर्ट्स ऑफ माई सिटी। सो रास्ते में बताते हैं बाकी का चीज़। एंड अब पता नहीं GoPro में आवाज़ कैसा आएगा बिकॉज आई हैव नथिंग फॉर द माइक, सो आई डोंट नो ये कैसे काम, ऑडियो कैसा होगा, ऑडियो खैर बहुत बेकार होने वाला है बिकॉज GoPro कोई सा भी हो विदाउट अ एक्सटर्नल माइक ऑडियो इज़ बुलशिट, सो दैट्स दैट। एंड चलते हैं, सो इन बाइक 3, 2, 1।
अकेले हुए और सब अकेले अकेले आया यार। हाँ उत्तराखंड बाइक है। हाँ जी और एक जन अकेले हैं। हाँ जी दलमांचल का ऊपर में है क्या एकदम? दलमांचल तो होटल का नाम है शायद। हाँ हाँ एकदम ऊपर में है क्या? हाईवे में है वो। अच्छा दलमांचल हाईवे में है। हाँ। मतलब यहाँ नहीं है ऊपर? नहीं, नहीं ये ऊपर नहीं, ऊपर में तो ये आपका मंदिर वगैरह है। अच्छा हाँ। क्या नेट में शो कर रहा है क्या? हाँ यूट्यूबर है। हाँ। क्या चैनल का नाम है? कौशिक गोराई। कौशिक गोराई इसमें आ जाता है क्या? हाँ यूट्यूब में आ जाएगा। हाँ गोराई नहीं है, गोराई है KAUSHI के KAU अपने ओ लिखा है ना KAUSHI गोराई GORAI। This is the Dalma Wildlife Sanctuary। यहाँ कुछ दिखे ना दिखे हाथी बहुत दिखेंगे। And I don't know ये GoPro कैसा रिकॉर्ड कर रहा है। And according to the guard, Dalmanchal is not here. It is basically in the highway. Okay? Fair enough. This is Educational Research Unit, Jharkhand. And हाथी, किसी को अगर हाथी देखना है तो दिस इज़ दी हाथी। सो जिस भी किसी भाई को हाथी देखना है एलिफेंट दिस साइड। सो दैट इज़ दी एलिफेंट। सिबड़ी में मज़ा लेते हुए एंड लोग फ़ोटोशूट कराते हुए। खैर यहाँ और भी काफ़ी सारे चीज़ें देखने को। सो मूव ऑन एंड धूप को कंपनसेट करने के लिए हमने इस पर एक एनडी फिल्टर लगाया है ऊपर से। दिस इज़ अ बेसिक CPL फिल्टर ऑन माय हेलमेट। तो बस फिलहाल के लिए तो यही है। अब जर्नी जैसे आगे बढ़ता रहेगा वैसे देखते रहेंगे आगे क्या है। वैसे आगे में आई लव दलमा का एक बोर्ड लगा हुआ है, वापस आते टाइम वहाँ रुकेंगे अगर रुके तो। सो लेट्स गो। अब जब यहाँ रुक ही गए हैं तो यार GoPro की बैटरी चेंज कर लेते हैं बिकॉज ओनली 10% बैटरी रिमेनिंग। सो जल्दी से बैटरी चेंज कर लेते हैं। This is the beauty of Dalma।
एंड आई होप ये जगह इसी तरह से रहे, सेमी अंडर डेवलप्ड टाइप का, क्योंकि ना दिस इज़ द ब्यूटी यार। मतलब अगर ये भी पूरा पूरी डेवलप हो जाएगा तो फिर क्या मतलब हो जाएगा, बेकार में इट वुड बी लाइक। एंड या संडेज को यू विल सी अ लॉट ऑफ बाइकर्स ओवर हियर, आई मीन लॉट ऑफ कूल बाइकर्स ओवर हियर, जो कि यूजुअली सुबह के टाइम आते हैं। एंड मैं तो खैर अभी 1 बज गया है। सो दिस इज़ अ गुड स्पॉट इफ अगर कोई राइडर है एंड वो थोड़ा सा लाइक स्ट्रीट्स के अलावा थोड़ा यू नो एडवेंचरस जगह पे जाना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू कम। बस एक ही दरख्वास्त है, गंदगी ना फैलाए, बाकी सब तो चंगा है जी। और एज द गार्ड सेज, गंदगी फैलाने पे, प्लास्टिक कूड़ा फैलाने पे 25,000 का जुर्माना है। सो कीप दैट इन माइंड, अगर आप कुछ प्लास्टिक का सामान लेके आ रहे हो तो उसे अपने साथ लेके वापस जाए। एंड नीचे आगे नीचे वहाँ देर इज़ अ डस्टबिन, सो वापस जाते टाइम फेंक के चल जाओ यार। या यहाँ मोर भी है जो ओकेशनली दिखता है, और काफ़ी सारे बंदर है। Just appreciate the beauty of Jharkhand. And ये पहाड़ जो है, ये दलमा जो है, ये काफ़ी ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है। नॉर्मल पब्लिक को बस इसी एरिया में आने की परमिशन है, क्योंकि बाकी का जो पहाड़ है वहाँ पे कोई मोटरेबल ऑप्शंस नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर है तो मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे पता है कि नहीं है। सो दैट इज़ इनएक्सेसिबल टू द नॉर्मल पब्लिक। वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल, या फिर यू कहो जो गांव के हैं वहाँ पे, तो सिर्फ वही वहाँ जा सकते हैं क्योंकि दे आर हैबिचुएटेड, हमारे बस की तो नहीं है।
Okay, so we have reached the top. मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या कहाँ है. तो फोटोशूट के लिए अच्छी जगह है ये. यहाँ भी एक मंदिर है. आई गेस दैट वाज दुर्गा मंदिर. So a lot of people over here and over there. यहाँ से पैदल चढ़ाई एंड बाकी का नज़ारा ना ऊपर चल के दिखाते हैं बिकॉज ऊपर काफ़ी अच्छा नज़ारा है. वेल हालत कुछ ऐसी हो गई है. इट वॉज फन, हैड नो प्रॉब्लम्स एट ऑल अपार्ट फ्रॉम कभी कभी गलत गियर पे गाड़ी चला रहा था. सो ईजीएस्ट मोटरेबल प्लेस इट इज़ एंड आई गेस मैं यहाँ 10 बार से ज़्यादा आ चुका हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन बाइक. सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस. कार में तो खैर बहुत मज़ा आता है. कार में आप WRC कर सकते हो यहाँ के रास्तों पे, जो कि बिल्कुल भी मत करना. एंड ये रास्ता गोज समथिंग लाइक दिस. यहाँ से आई गेस 500-600 मीटर है ऊपर, जो उससे भी कम है, 100-200 मीटर होगा. लेट्स सी. ओके, सो इट हैज बीन अराउंड 20 मिनट्स आई एम हियर और इससे ज़्यादा पीसफुल जगह कुछ हो नहीं सकता. आइए आपको दिखाते हैं. ...360 degree व्यू एंड दिस राइट हियर इज़ द हनुमान मंदिर एंड उसके नीचे शिव मंदिर है. सो यप एंड मेरे GoPro पे टाइम लैप्स चल रहा है. 15 मिनट टाइम लैप्स एंड आई गेस मैं 10-12 सेकंड का फुटेज निकालूंगा बस और आगे का देखते हैं.
थोड़ी देर रुकेंगे फिर निकल जाएंगे यहाँ से। आगे एक शिव मंदिर भी है पर थोड़ा क्राउडेड है सो वहाँ नहीं जाएंगे। एक्चुअली मैं जा के आ चुका हूँ पर वहाँ कैमरा नहीं निकाल सकते सो वहाँ कैमरा नहीं निकालेंगे, वहाँ कैमरा नहीं निकाल सकते इसीलिए वहाँ मैंने शूट नहीं किया। उसके अलावा दिस इज़ अ पीसफुल प्लेस एंड आई गेस सभी को यहाँ आना चाहिए एंड यहाँ आना कोई हैसल नहीं है, आराम से आ सकते हो एंड बस। एंड दिस इज़ द टेम्पल एंड इस जगह पे शिवरात्रि पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। एंड यहाँ चिंगू पिंगू दौड़ते हुए, यहाँ काफ़ी सारे बंदर हैं, बंदरों से सावधान। एंड दिस इज़ दी हाइस्ट टेम्पल हेयर इन दलमा एंड नीचे में एक शिव मंदिर भी है जस्ट इसके नीचे। और ये है हनुमान मंदिर, जय श्री राम। यहाँ से है ये नज़ारा, एंड अभी हम उस वॉच टावर पे थे जो कि 1-2 मंजिला ऊपर है एंड आफ्टर दैट इज द टेरेस। इसे यहाँ रखते हैं सो so far it has been so good। खैर यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है बट अनफॉर्चुनेटली जाना तो पड़ेगा बिकॉज घर भी जाना है यार। सो आई डोंट नो ये व्लॉग कैसा जा रहा है क्योंकि एक तो मैं काफ़ी दिन बाद ऐसे व्लॉग करने निकला हूँ बाहर एंड आई होप अब हर मंडे व्लॉग आएगा चाहे कुछ भी आए, एवरी मंडे 1 वीडियो, नाउ दैट्स माई टारगेट। बाइक खैर यहाँ भी लगा सकते थे पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि मैंने बाइक नीचे लगा दिया, पर कोई नहीं, चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। एंड दिस इज़ दी मैप ऑफ दी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस। ओके इट्स रिकॉर्डिंग। फिर लोग अभी भी यहाँ आ रहे हैं एंड ये सीधे नीचे ढलान है रास्ता 100 मीटर्स एंड नीचे ढलान जहाँ मैंने बाइक लगाया था वहाँ से शॉर्टकट है फॉर शिव मंदिर। रास्ता यहाँ पीछे से भी है जो कि सीधे सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाता है विच इज़ लिटिल इतू सा डेंजरस। Damn.
एंड किसी को एक्सप्लोर करना होता है ऐसे छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि मैंने काफ़ी बार एक्सप्लोर कर लिया, तो मैं फ़िलहाल अकेले एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। एंड हियर वी गो, टाइम टू गेट बैक टू दिस सिटी। ओके, बाइक पे मिलते हैं। The cat doesn't seems to care. मस्त सो रहा है धूप में, ये भी सही है। ओके, सो टर्निंग ऑन द GoPro एंड टाइम टू लीव। ओके गाइज, टाइम टू लीव। आई गेस इतने देर में GoPro ने बैटरी बैकअप अच्छा दिया है। दिस इज़ द सेकेंड बैटरी विच आई हैव स्विच जस्ट नाउ एंड द स्लीपिंग हेड। आई गेस आई हैव गॉट अ गुड स्पॉट। जल्दी से दो चार फोटोज खींच लेते हैं। I guess enough for now. Let's leave. नस चढ़ गया रे। गॉट अ क्रैम्प ऑन माय लेग ब्रो, शिट इट्स पेनिंग वेरी बैडली। चलो आस्ते आस्ते नीचे चला गया।
ओके सो मेरे साथ हुआ है एक छोटा सा कांड। मैं वहाँ ऊपर पत्थर हटा रहा था ताकि कोई इस पे गिर ना जाए। उसे हटाने के चक्कर में मेरा पाँव का नस चढ़ चुका है, थाइस का नस चढ़ चुका है, बहुत बुरा वाला। एंड इट्स पेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इसलिए आई हैड टू टेक अ ब्रेक। और एक ब्रेक तो बनता है, बहुत दर्द हो रहा है। ओ भाई साहब, चोट लगने से ज़्यादा दर्द नस चढ़ने पे होता है और बहुत दर्द हो रहा है। आई होप 5-10 मिनट स्ट्रेच किया है मैंने तो ठीक हो जाएगा। लेट्स सी। एंड नज़ारा तो कुछ ऐसा है ना कि मन ही नहीं भरेगा आपका नज़ारों से। काफ़ी बढ़िया है। सो बैठ के अपना पाँव को हील होने का टाइम देते हैं एंड नज़ारे का मज़ा लेते हैं। और क्या, ओके काफ़ी देर बैठ गए, अब चलना पड़ेगा। सो लेट्स मूव। काफ़ी हील हो चुका है पाँव एंड इट्स टाइम टू मूव। फीलिंग गुड। मैं हमेशा पेट्रोल ऑन करना भूल जाता हूँ यार। सो दिस इज़ द डियर पार्क, जहाँ आई गेस अभी कोई भी डियर नहीं है, सारे जंगल के अंदर की तरफ जा चुके हैं। ओके सो थंबनेल की बारी।
नज़ारा देखो मैं, नज़ारा अच्छा हुआ, नज़ारा शुक्रिया। ओके सो भूख अलर्ट, और भैया हमारे लिए सैंडविच बना रहे हैं। कौन सा सैंडविच है भैया ये? कौन चीज़ भैया, कौन चीज़ सैंडविच बना रहे हैं? हम बोले आ रहे हैं सर क्या? और ऊपर ढेर सारा चीज़, साथ में गुड़ वाली चाय, बेस्ट। और ये अपना ट्रेडिशनल सैंडविच ग्रिल, और 10 मिनट का खेल गैस पे। और ये है सैंडविच, डिलीशियस एज फक डैम। ओके सो बैक टू होम।
अब GoPro के फुटेज को कॉपी करते हैं कंप्यूटर में और देखते हैं कि थक गया यार और देखते हैं कि कैसा आउटपुट आया है। वैसे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यार GoPro गर्म हो रहा था, एक्चुअली गर्म हो रहा था वो, एंड ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। मैं अभी जज नहीं करूँगा, आई गेस आई विल डू टू और थ्री मोर रन्स ऑन दी GoPro, फिर देखते हैं। टिल नाउ वीडियो क्वालिटी से मैं सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज मैं साइमेंटेनियसली वीडियोज़ को अपने मोबाइल में इम्पोर्ट कर रहा था। एंड दिस इज़ द वेरी कूल फीचर GoPro हैज़ दैट टाइप सी टू टाइप सी केबल अगर आपके पास है तो डायरेक्टली GoPro को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिस भी मोबाइल में टाइप सी सपोर्ट करता है, तो इट विल डायरेक्टली ट्रांसफ़र दी फाइल्स टू दी GoPro ऐप, वहाँ से यू कैन एक्सपोर्ट ऑल दी वीडियोज़ टू दी गैलरी। सो मैंने करके देखा एंड इट इज़ क्वाइट एफिशिएंट। वाईफाई से जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा था, लाइक वाईफाई से ट्रांसफ़र करने में टाइम ले रहा था, एक आई मीन 5GB का वीडियो ट्रांसफ़र होने में इट वॉज़ टेकिंग समवेयर अराउंड यू नो 10 मिनट्स, बट डेटा केबल से वही चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। सो दैट्स अबाउट दैट, ये क्वर्क एंड फीचर अच्छा लगा मुझे GoPro का। सो अब तक तो ठीक है अपार्ट फ्रॉम द हीटिंग इशू, एंड एक बार अगर वो गर्म होने लगा तो बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन हो रही थी ऐसा मैंने नोटिस किया। अब पता नहीं क्या सीन है, एंड आई वॉज़ रिकॉर्डिंग इन 2.7K, एंटायर ब्लॉग आई हैव रिकॉर्डेड इन 2.7K, जिसको मैं रोल डाउन करूँगा 1080p में या 1440p में, देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं बिकॉज़ आई एम डैम टायर्ड। अभी फ़िलहाल मैं सोऊंगा, सो के उठूंगा तब फुटेज ट्रांसफ़र करूंगा एंड एडिट करूंगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, राइड सेफ, एंड जय हिंद, वंदे मातरम, पीस आउट।